दिल्ली से राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी की नेता स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट के मामले पर भाजपा नेताओं की ओर से लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है, लेकिन भाजपा का कहना है कि अरविंद केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा दें। इस मामले पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने सीएम केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल अभी भी विभव कुमार के साथ क्यों घूम रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा, इस मामले पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम वैचारिक रूप से स्वाति मालीवाल के साथ नहीं है, लेकिन जब महिलाओं के खिलाफ कोई अपराध होता है तो आवाज उठाना हमारा काम है। स्वाति मालीवाल ने याचिका दायर की है। उन्होंने दिल्ली पुलिस से शिकायत की है कि उनके साथ जो कुछ हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। सवाल ये है कि जब ये हो रहा था तो अरविंद केजरीवाल कहाँ थे? अभी भी विभव कुमार के साथ वो क्यों घूम रहे हैं? वो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? सीएम शर्मा ने कहा कि केजरीवाल अब अपराधी बन गए हैं और स्वाति मालीवाल के पोस्ट से इसकी पुष्टि हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता ने दावा किया कि मालीवाल पर हमला केजरीवाल के इशारे पर किया गया और उनके साथ हिंसा की गई। इससे पहले 16 मई को बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने दावा किया था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस मामले में आरोपी अपने सहायक विभव कुमार को बचा रहे हैं। आपको बता दें कि स्वाति मालीवाल ने पुलिस को 250 पन्नों की अपनी शिकायत दर्ज कराई है। इस शिकायत में स्वाति मालीवाल ने बताया कि विभव कुमार ने उनकी बहुत बुरी तरीके से और काफी देर तक पिटाई की, उन्हें थप्पड़ मारा, लातों से मारा, पेट में मारा और शरीर के अन्य हिस्सों पर चोट पहुंचाई, इससे वो अचेत हो गई थी।